भाई साहब 12/12 कौन सा है? पहले लेफ्ट, अच्छा फिर राइट। थैंक यू। भाई साहब मकान नंबर 12/12 कौन सा है? जी हाँ, मेरा ही मकान नंबर 12/12 है। कहिए क्या बात है? टीचर रवि शर्मा? हाँ मैं ही हूँ, पर बात क्या है? आप और आपके परिवार को हमारे साथ थाने चलना होगा। चलिए। सर 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 बात क्या है बता तो दीजिए। सवाल जवाब सब थाने चल रहे हैं, आइए। सर हमें यहाँ क्यों लाया गया है कोई बताएगा? आपकी बेटी कहाँ है शर्मा जी? शर्मा जी आपकी बेटी कहाँ है जी? वो एक हफ्ता से गायब है ना, और आप लोगों ने अभी तक उसकी कंप्लेंट नहीं लिखवाई थाने में, क्यों? सर वो गायब नहीं है, भाग गई है। किसके साथ? वो कमल आहूजा नाम के लड़के के साथ। कमल आहूजा? अजीब बात है, उसी कमल ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है आपकी बेटी के बारे में। ये देखिए रिपोर्ट। सर अंजलि शर्मा नाम की मेरी एक फ्रेंड थी सर, वो एक हफ्ते से गायब है। मुझे पक्का यकीन है कि उसके घर वालों ने ही उसके साथ कुछ किया है। अरे सर एक नंबर का आवारा है वो, की वजह से आपने हम शरीफ लोगों को थाने में बुलाया। सर ये क्या बात हुई? सर वो झूठ बोल रहा है। आवाज नीचे। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच ये तो हम पता करवा ही लेंगे। झूठ बोलने वाले की कुंडली पहचाने का सॉफ्टवेयर है हमारे पास। सर सच बोल रहे हैं हम लोग, सबूत है हमारे पास, चिट्ठी छोड़कर गई है वो। चिट्ठी? आपकी बेटी के अफेयर के बारे में मालूम था आपको? सर रंगे हाथों पकड़ा था हमने उसे। जिस दिन हमने उस लड़के को अंजलि के कमरे में चोरी छुपे घुसते हुए पकड़ा था तभी मैं समझ गया था कि ये मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। आप लोग ना अंजलि को मुझसे मिलने से रोक नहीं सकते, बालिग है वो, जब चाहे जिससे चाहे मिल सकती है। तो वेद छोड़ो उसे। सच सच बता, इस आवारा लड़के को तूने अपने कमरे में अपने घर में अपनी मर्जी से बुलाया है या फिर ये? बोल। हमारे बीच आने की जरूरत मत करना कभी, तो मैं देख लूंगा आप लोगों को। अंजलि को कुछ हुआ? मैं चुप। वेद एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा इस घर की चौखट पर भी नजर आया ना तो टांगे दुड़वा कर फिरवा दूंगा। ठीक नहीं कर रहे आप लोग, सच कह रहा, ठीक नहीं कर रहे आप लोग। अभी तक कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ कर सकते हैं। निकल बाहर, निकल निकल यहां से, निकल बोला निकल। हमने उस लड़के को घर से निकाल दिया क्योंकि गलती सारी उसी की थी, हमें लगा अब वो कुछ नहीं करेगा। साहब हमारी अंजलि तो ऐसी थी ही नहीं, वो तो बिल्कुल छुई मुई की तरह थी। कभी किसी लड़के से आज तक उसने आंखें मिलाकर बात नहीं की, मुझसे कभी नजरें मिलाकर बात नहीं की उसने, लेकिन इस कमल के बच्चे ने मेरी अंजलि को बिगाड़ना शुरू कर दिया था। साहब हमने सोचा कि कुछ दिन दोनों को अलग रखेंगे तो वक्त के साथ साथ ये बात भी आई गई हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, हम गलत थे। पता नहीं इस कमल ने अंजलि पर क्या जादू कर दिया था कि वो इसके साथ घर से भाग गई। लेकिन अगर वो कमल के साथ भागी तो कमल खुद आके मिसिंग कंप्लेंट क्यों लिखवाया था? अब ये आप उसी से पूछिए ना साहब, हमको क्या पता इस बारे में। सर हो सकता है कमल ने मेरी बहन के साथ कुछ कर दिया और अपने आप को बचाने के लिए उसने थाने आकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। वैसे पूछताछ जारी रहेगी, आप लोग दिल्ली में ही रहिएगा। जी सर। 18 वर्ष की एक लड़की अंजलि शर्मा कई दिनों से अपने घर से गायब थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने पुलिस को इसकी सूचना देना भी जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ एक लड़का कमल आहूजा जो अपने आप को अंजलि का दोस्त बताता है, वो पुलिस स्टेशन में आकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाता है। लड़की के पिता ने पुलिस को लड़की की लिखी हुई चिट्ठी भी सौंप दी थी जिससे ये स्पष्ट था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। सच झूठ का ताना बाना बेहद उलझा हुआ था। आखिर वो कौन सा सिरा था जिसके हाथ में आने पर ही पुलिस इस केस को सुलझा सकती थी? अजीब केस है।
सर घर में चिट्ठी है, मतलब लड़की उस कमल के साथ भागने की प्लानिंग से ही निकली होगी। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़की के भाई की बातों में सच्चाई हो। कमल उस दिन आके इसीलिए रिपोर्ट लिखवाया था ताकि शक उस पे ना जाए। हो सकता है, बोला उसको सर। ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो खुद आया था ना आपके पास कंप्लेन लिखाने। सर आप लोग ना मेरे से सवाल जवाब करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। उस लड़की के घर वालों को पकड़ो और उनसे पूछो उसने क्या किया उनके साथ। देखिए रो, तू ये तो मत सिखा कि क्या करना और क्या नहीं, ठंड रख बैठ जा। तेरी गर्लफ्रेंड है ना, और तू उसे ढूंढना चाहता है तो हमें बता तो सही कहानी क्या है। सच बताएगा नहीं तो ढूंढेंगे कहां उसे। सर मेरा एक जनरल स्टोर है उसी मोहल्ले में जहाँ अंजलि रहती है। वो वहाँ अक्सर सामान लेने आती थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगने लगी थी, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की, क्योंकि हमेशा उसके साथ या तो उसका बाप होता था या उसका भाई। अकेली तो घर से बाहर कभी निकलती नहीं थी। पर एक दिन जब उसके पिताजी स्कूल गए थे और उसका भाई बीमार था तो वो कुछ जल्दी में कुछ सामान लेने आ गई थी। उस दिन पहली बार उसकी आवाज सुनी थी सर। भैया ये सामान देना। मैडम जी समझ में नहीं आ रहा मैडम, थोड़ा बताइए जरा पढ़ के। मुन्ना तू उनका सामान दे, मैं देखता हूँ। थैंक्स। चलो जी थैंक्स ही सही, आपकी आवाज सुनने का मौका तो मिला। मुझे तो लगा था कि आप गूंगी हैं। अरे वाह आप तो हंसती भी हैं, पहली बार देखा ना। ऐसे सच कहूँ मुस्कुराते हुए बड़ी सोनी लगती हैं आप। अंजलि क्या कर रही हो यार, अकेले आने से मना किया था ना, और सामान लेने आई हो या पूरी दुकान? चलो घर। बस सर उसी दिन से दिल आ गया था पूरी, सोचा था उसके घर वालों से बात कर लूंगा मगर उससे पहले ही पकड़ा गया। और इसी वजह से लड़की के घर वाले तुझे लड़की से मिलने नहीं दे रहे थे। सर खुशी खुशी तो वो कभी मिलने देने वाले थे भी नहीं, वो तो बस उसे खूंटे से बांध के रखना चाहते थे। तो तूने प्लानिंग कर ली, इसे खूंटे से आजाद करो, उसे भगा कर ले चलो। ठीक सर मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, और सर जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं तो हम क्यों भागते? मुझे पूरा भरोसा था आज नहीं तो कल उसके घर वाले मान ही जाएंगे, लेकिन अंजलि को लगता था कि ऐसा कभी नहीं होगा। अरे मैं बात करूंगा ना तुम्हारे मम्मी डैडी से, उसमें क्या है? अरे डरती क्या है पगली, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। सब ठीक होगा, सब राजी खुशी होगा। तुम ना ही मेरे पापा को जानते हो और ना ही मेरे भाई को, वो जान ले लेंगे मेरी भी और तुम्हारी भी, पर राजी नहीं होंगे तुमसे शादी तो दूं, अगर तुम्हारा नाम भी लिया ना तो काट डालेंगे। इससे अच्छा है कि हम एक दूसरे को भूल जाते हैं। पर तू उसे भूलने के लिए राजी नहीं था तो तूने सोचा लड़की को मार ही दो। सर अगर मैं उसे मारने वाला होता तो क्या मैं आपके पास आता? मैं तो कहीं डर के छिपता फिरता ना सर। देख अगर मान भी लेगी तेरी कहानी सच्ची है तो इसका मतलब तो ये है कि तेरी माशुआ किसी और के साथ भाग गई। सर वो ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं सच बोल रहा हूँ, वो अपने बाप और भाई से बहुत डरती थी सर। गुप्ता तू चिट्ठी दिखा। ये देख चिट्ठी, पढ़ इसको। इस कमल आहूजा पे नजर रखो सर। रवि शर्मा के घर के सर्च वारंट का क्या हुआ? सर कोर्ट की छुट्टी थी, कल तक मिल जाएगा। कोर्ट शुरू होते ही सबसे पहला काम है हमें सर्च वारंट हासिल करना, बिना उसके हम सर्च नहीं कर सकते। एक लड़की लापता है, अगर वो जिंदा है तो उसे ढूंढना बहुत जरूरी है, वक्त बहुत कम है हमारे पास। तब तक एक काम करो, पड़ोसी से बातचीत करो। कई बार पड़ोसी ऐसा किस्सा हमें बता देते हैं जो परिवार वाले छुपाना चाहते हैं। किस्सा जी? एकदम नॉर्मल फैमिली थी हमारी तरह। आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा अपनी बेटी के साथ? हमें तो नहीं लगता। ठीक है। नहीं साहब हो ही नहीं सकता, बड़े अच्छे लोग थे, अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, फूल सा संभाल के रखते थे, कहीं अकेला जाने भी नहीं देते थे। वो क्या है ना साहब कि 5 साल पहले जो हादसा हुआ था, कोई भी बाप अपनी बेटी को जो है अकेली जाने ना दे।
इंस्पेक्टर साहब, सर्च वारंट की क्या जरूरत है? आपको तलाशी लेनी है, आप ले लीजिए। हम तो पुलिस की मदद ही करना चाहते हैं। सब खाली? ये कमरा इतना खाली क्यों है? ये आपकी बेटी हमेशा ऐसे ही रहती थी बिना कोई सामान के? नहीं सर, हमेशा से ये कमरा ऐसे खाली नहीं हुआ करता था। जब से अंजलि गई है, हमने उसकी सारी छोटी मोटी चीजें इकट्ठी की और कूड़े में फेंक दी, क्योंकि हमारे हिसाब से वो इस घर की बेटी कहलाने के लायक ही नहीं। सर, अंजलि का कमरा बिल्कुल साफ करके रखा है, न कपड़े, न किताबें, ना कुछ, कुछ भी नहीं। किस कॉलेज में पढ़ती थी वो? पढ़ाई तो वो घर पर ही किया करती थी साहब, मैं टीचर हूँ, इसीलिए जब वो 11 साल की थी तब से उसे मैं ही घर पर पढ़ाता रहा हूँ। 5 साल पहले उस हादसे के बाद से? जी। हमने पता किया, आपकी बेटी के साथ 5 साल पहले कुछ हुआ था। वो तो बच्ची थी साहब, नादान थी। मिल जाएगी बच्ची, हम सब मिलकर ढूंढेंगे ना उसे, अब क्यों इतना परेशान हो रही है? पूजा। शर्मा जी, बहुत ढूंढा बेटी को पर कहीं नहीं मिली। इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ चली जाएगी, यही कहीं होगी। शर्मा जी, क्यों ना पुलिस में चल के रिपोर्ट लिखा दें? घबराइए मत शर्मा जी, हम सब चलते हैं और रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी यही कहेगी कि 24 घंटे पूरे होने से पहले पहले वो रिपोर्ट नहीं लिखेगी, कहेगी जब 24 घंटे हो जाएंगे तब आप आना। अब तुम रोना बंद करो, एक तो बच्ची का ध्यान रखती नहीं हो, अब गायब हो गई है तो सारा घर सर पे उठा रखा है। मैं खुद ही जाऊंगा अपनी बच्ची को ढूंढने। कहां उसे नहीं ढूंढा सा, मैंने, पड़ोसियों ने, पर मिली तो वो मुझे मिली, पर साहब वो इस हाल में मिली के। अंजलि, बेटा तुझे हमने कहां नहीं ढूंढा, बेटा तू यहां छिपी बैठी है, सारा घर तेरे लिए परेशान है। किसी जानवर ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती की थी साहब। वेद जी, मम्मी को अंदर ले जा बेटा। मम्मी चलिए। 5 साल हो गए इस हादसे को साहब, लेकिन हम लोग उस हादसे से अभी तक नहीं उबर पाए, पर मेरी अंजलि बेटी डरी सी सहमी सी साहब, वो तो घर के बाहर कदम ही नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए साहब उसकी पढ़ाई का इंतजाम मैंने घर पर ही कर दिया, पर उसने हम सब घर वालों के मुंह पर गाली बोल दी साहब। पता चला उसके साथ दुष्कर्म करने वाला कौन था? हमने कंप्लेन की थी साहब, पर कुछ नहीं हुआ। एक 13 साल की बच्ची जिसके साथ बड़ी निर्ममता से बलात्कार किया गया था, वो कैसे भुला सकती थी उस हादसे को? उसका डरा सहमा रहना स्वाभाविक था। कौन था वो बलात्कारी? कोई एक था या फिर उसके साथ कोई और भी शामिल था इस जुर्म में? अंजलि के साथ हुए बलात्कार का केस पुलिस कभी सुलझा ही नहीं पाई थी। सर, ये रही शर्मा फैमिली द्वारा फाइल की गई रेप केस की फाइल। सर वो लोग सच बोल रहे हैं, मुजरिम अभी तक पकड़ा नहीं गया, और ऐसी हालात में पूरी फैमिली का बच्ची को दुनिया से छुपा के रखना, ये तो जायज है। उस हादसे के बाद से न जाने बच्ची पे क्या बीती होगी। पर फिर भी एक सवाल तो रही जाता है गुप्ता, सारी दुनिया से डरी सहमी लड़की अपने घर से भागेगी क्यों? उसके हैंडराइटिंग सैंपल का क्या हुआ? सर, लड़की 6ठी कक्षा तक स्कूल गई थी, फिर नहीं गई, और स्कूल के पास इतने पुराने रिकॉर्ड्स हैं नहीं। उसने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी ना? यस सर। दिल्ली बोर्ड से पता करो, उनके पास आंसर शीट्स होंगे। ओके सर। आठ लाख से ज्यादा बच्चे थे। अंजलि शर्मा, ये मिल गया, ये लीजिए। सर, ये रही हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट। हमारा शक सही निकला, उस लड़की ने नहीं लिखी है चिट्ठी। इसका मतलब है कि उसका परिवार हमें गोल गोल घुमा रहा है। उठाकर लेके आओ उसको बाप को। यस सर। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि वो चिट्ठी तुम्हारी बेटी ने नहीं लिखी थी। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट है हमारे पास।
चिट्ठी के बारे में जरूर झूठ बोला मैंने। ये चिट्ठी मैंने लिखी थी। क्या करता साहब, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ता ना, वरना दुनिया वाले कहते कि कैसे बेरहम माँ बाप है, बेटी घर से गायब हो गई है और उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं कर रहे। इसलिए ये चिट्ठी मैंने लिखी। अब वो मुंह काला करके चली गई साहब, तो उससे हमें क्या लेना देना। पर इस बात का क्या सबूत है कि वो भाग गई थी? अगवा भी तो कर सकता है ना कोई से। तुमने कैसे यकीन के साथ कह दिया कि वो भाग गई थी? साहब पिछली बार जब वो गायब हुई थी तब हम में से कोई भी घर पर नहीं था, पर इस बार तो मेरा बेटा घर पर था। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो पता चल जाता ना। मेरी बेटी ही सबकी नजरों से बचकर चोरी छिपे घर से भागी है साहब। तुम्हारी इस कहानी पे यकीन तो नहीं हो रहा है मुझे, लेकिन सबूत नहीं है हमारे पास। दुआ करना कि हमारे हाथ कुछ ऐसा ना लगे कि तुम्हारी पोल खुल जाए। सर अब तक तो हमारे सामने दो ही सस्पेक्ट आए हैं, या तो फैमिली वाले नहीं तो लड़का कमल। लेकिन समझ में नहीं आ रहा दोनों में से कौन हो सकता है। गुप्ता सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कड़ी छूट रही हो हमसे? कहीं उस रेप केस के साथ इस केस का कनेक्शन तो नहीं? वो आदमी जिसने अंजलि के साथ 13 साल की उम्र में। अरे हो क्या रहा है यहाँ, डर क्या रही है पुलिस? देखो तो क्या बवाल है। मुझे अंदर जाने दो। हो क्या रहा है? सर वही लड़का है कमल। परफेक्ट टाइमिंग है लौटने की, बुला उसको। जी सर। आप लोगों ने कुछ किया अब तक? अंजलि की फैमिली से कोई अरेस्ट क्यों नहीं हुआ अब तक? ए आशिक ठंड रख, तू एक काम कर, तू अपनी लव स्टोरी फिर से सुना, हो सकता है कोई कड़ी छूट गई हो, कोई ऐसी बात जो हमें पता ना हो। सर उस दिन के बाद से मैं अक्सर उससे मिलने की कोशिश करने लगा, पर मौका ही नहीं मिलता था जब वो अकेली हो। पर मैं एक बात समझ गया था कि वो भी मुझे चाहती है, तो मैं छुप छुप कर उसके घर जाकर उससे मिलने लगा। ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि मैं पकड़ा नहीं गया। बाहर कहीं कहीं भी कभी भी नहीं मिला तू? सर इतनी बड़ी रिस्क मैं नहीं ले सकता था। हाँ सर एक बार जरूर उसको लेके बाहर गया था। क्या हुआ, फिर से दर्द शुरू हो गया क्या? पेट दर्द करता है, फिर डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? अपनी मम्मी को बोल वो लेके जाएंगी। नहीं, घर वालों को कुछ नहीं बताना। तेरी कोई बात मुझे समझ नहीं आती। अरे मम्मी पापा से क्या छुपाना? अरे कुछ बोलेगी भी, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? लेडीज डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मेरे साथ चलेगी? कैसे जाएंगे? तू इसकी चिंता मत कर, चलेगी। किसी तरह घर से बाहर निकली वो और मैं उसे लेडी डॉक्टर के पास ले गया। क्या कहा था लेडी डॉक्टर ने? सर पता नहीं, वो मुझे अंदर लेकर नहीं गई, शर्मा रही थी। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर रीना बंसल। कुछ अजीब सी लड़की थी, बड़ी ही नर्वस थी। मैंने उसे जब चेक किया बैठो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिख देती हूँ और 7 दिनों के बाद आके दिखा लेना। अच्छा एक बात बताओ, यू लुक क्वाइट यंग। और मैंने एक बात भी नोटिस की है। डॉक्टर किसी के साथ शारीरिक संबंध या जबरदस्ती ऐसा कुछ? जबरदस्ती या रेप जैसी कोई बात नहीं लगी, पर उसके संबंध थे और कुछ ऐसे साइंस जिन्हें देख के पता चलता था कि कोई उसके साथ, कैसे कहूँ, यू नो साइंस ऑफ रफ इंटरकोर्सेस, जबरन संभोग जैसी कोई बात? अपेरेंटली तो नहीं, पर लड़की बहुत ही डरी हुई थी और साथ ही सेक्सुअली एक्टिव भी। मुझे चिंता हुई और कहा कि साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर लो और नंबर भी दिया। अब पुलिस को एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिली थी। अंजलि का परिवार कहता आया था कि वो छुई मुई जैसी थी और कमल आहूजा का कहना था कि वो डरी सहमी थी, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बंसल का कहना था
कि उसके नियमित रूप से किसी के साथ शारीरिक संबंध थे। इस एक जानकारी ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। कौन विक्टिम था, कौन मुजरिम था, कौन सच बोल रहा था और कौन सिर्फ झूठी कहानियां गढ़ रहा था। हालांकि सस्पेक्ट दो ही थे, लेकिन किसी एक पर उंगली उठाना तब तक मुमकिन नहीं था जब तक कि सच सामने ना आ जाए। वो कौन था जिसके अंजलि के साथ संबंध थे, कमल आहूजा या फिर? सर कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं और अंजलि तो कभी इतने करीब आए ही नहीं थे। तुझ पे भरोसा कैसे कर ले हम? उस लेडी डॉक्टर ने बताया कि उसके संबंध थे किसी के साथ। जबरदस्ती या रेप जैसी कोई बात नहीं लगी, पर उसके संबंध थे और कुछ ऐसे साइंस जिन्हें देख के पता चलता था कि कोई उसके साथ। उसी डॉक्टर ने जिसका नाम तूने बताया था। सर कम से कम मेरे साथ तो नहीं थे, सच कह रहा हूँ। लड़की शर्मीली थी, डरी सहमी सी थी, कोई दोस्त भी नहीं था, बचता कौन है तेरे सिवा फिर? सर यही बात सुन के तो मुझे शॉक लगा है। मैं सच कह रहा हूँ सर, उसका हाथ भी पकड़ने से पहले 100 बार सोचता था। तुझे लगता है कि हम तेरी कहानी पे यकीन कर लेंगे? तू चोरी छुपे उस लड़की से उसके घर पे सिर्फ बात करने के लिए जाता था। अंदर की हवा खिलाओ या सच बोलेगा तू? सर बोला ना मैंने कभी उसके इतने नजदीक नहीं गया। सच क्या है शर्मा जी, आपकी बेटी का सच? किसके साथ संबंध थे उसके? देखिए ये लड़का मेरी बेटी के बारे में पता नहीं क्या गलत सलत बातें फैला रहा है। और कौन सी लेडी डॉक्टर, जिसके मन में जो आ रहा है बके जा रहा है। और सर हम अपनी अंजलि के साथ साय की तरह रहते थे, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। जरूर आपको जो जानकारी मिल रही है वो गलत है। देखिए अगर आप लोग सच नहीं बताएंगे तो हम आपकी अंजलि को ढूंढ नहीं पाएंगे। आप उसकी माँ है ना, आप क्यों खामोश हैं? इतना तो तय है कि आपके पति और आपका बेटा हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। पूजा, जो कुछ भी जानती हो इन्हें सब बता दो, डरने की कोई जरूरत नहीं। देखिए वक्त निकलता जा रहा है, हर गुजरते दिन के साथ आपकी बेटी की जिंदा मिलने की संभावना कम से कम होती जा रही है। आपकी खामोशी बहुत भारी पड़ सकती है आपकी बेटी के लिए। कब बोलेंगी आप? जब आपकी बेटी की लाश मिल जाएगी उसके बाद। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी का क्या किया तुम लोगों ने? जा अपने आप को संभालो। मेरी बेटी कहाँ है? जा मेरी बेटी कहाँ है? जा अपने आप को संभालो। मेरी बेटी का क्या किया तुम लोगों ने? जा बात संभालो। क्या बात कर रही है? देखिए सिर्फ आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, आपको हमें सच बताना होगा। हमें शुरू से ही आपकी चुप्पी से लग रहा था कि आप ऐसा तो कुछ है जो जानती है। बताइए। रोकना चाहिए था उस दिन उन दोनों को, इतने बरस मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था सर, चुप नहीं रहना चाहिए। भैया भैया मम्मी बुला रही है खाना खाने के लिए, जल्दी आ जाओ। क्या कर रही है मेरे कमरे में? हाँ अरे क्या हो गया पापा, ये देखो ना मेरे कमरे में कैसी गंदी गंदी मैगजीन लेकर आई है ये। अरे क्या हुआ, क्या किया अंजलि ने? ये सब कुछ चाहिए इसको इस उम्र में? पर निकल आए इसके, नाक कटवाएगी हमारी ये। नहीं मम्मी मैं ये सब नहीं लाई हूँ, वो तो भैया भैया मेरा नाम क्यों बीच में घसीट रही हो? पापा मम्मी मैं आपको बहुत दिन से बताना चाहता था, ये मुझे अजीब निगाहों से देखती है और कई बार मैंने इसको अपने कमरे में ताका जाकी करते भी पकड़ा। अरे तुम्हारी बहन है वो। ठीक है तुझे ये सब कुछ चाहिए ना, मुझे अब यही सब कुछ मिलेगा। सुनिए बच्ची है, गलती हो गई उससे। जवान हो गई है तुम्हारी बच्ची। सुनिए आप ऐसा नहीं कर सकते। नाक कटवाएगी ना ये हमारी। आपकी बेटी है वो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? नाक कटवाएगी ना ये हमारी। सुनिए बेटी है आपकी। पर निकल आए हैं इसके,
बाहर निकलो। नहीं, आपकी बेटी है। बाहर निकलो। सुनिए, आप उसके पास हैं। बाहर निकलो। तुम बाहर निकलो। सुनिए। नहीं रोक पाई दोस्त। इसके बाद भी मेरी छोटी सी बच्ची उन दोनों की वजह से घर छोड़कर भाग गई थी। मतलब आपकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आपके पति और आपका बेटा है? मेरी बेटी को उसके बाप ने ढूंढ लिया। बेटा तू यहाँ छिपी बैठी है। और अपने पाप दूसरे के मध्य मर दिया। उसके बाद ये सिलसिला चलता है। हर दिन मेरी बच्ची के साथ हुआ दोनों। आपकी बेटी के साथ ऐसा घिनौना कांड होता रहा और देखती रही। मैं डर गई थी वो लोग मुझे मार डालते और मेरी बेटी को भी। मैंने उसे कहा था कि भाग जा, जो लड़का जिससे प्यार करता है उसके साथ दूर चली जाए, यहाँ से इस नरक पे चली जा। उस दिन मैं अपनी बहन के घर गई थी, उसकी तबीयत खराब थी, उसी दिन मेरी बेटी भाग गई थी। पर अब शायद ऐसा लगता है कि वो भागी नहीं थी साहब। इन दोनों ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया है साहब। मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए साहब, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। मेरी पत्नी ने ऐसा कहा? नहीं साहब, मेरी पत्नी ऐसा कैसे कह सकती है? वो ऐसा कैसे कह सकती है? इसका मतलब साहब मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है साहब। मेरी पत्नी और बेटी ने मिलकर ही ये षड्यंत्र रचा था। पत्नी ने ही मेरी बेटी को घर से भगाया साहब। साहब मेरी बेटी जिंदा है साहब, मेरी बेटी है। ये रोना धोना बंद कर शर्मा, हमें पता है तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं साहब, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची वापस ला दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब। जीकर क्या करूंगा साहब, मेरी अपनी पत्नी ने मुझ पर इतना बड़ा घिनौना इल्जाम लगाया। आप जो चाहे सजा दीजिए मुझे, मैं नहीं जीना चाहता। असल मम्मी झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी औरत है। सच बोल, सच सच बता, वरना ये गुप्ता तेरी ऐसी हालत करेगा ना कि 3 दिन तक तो चल नहीं पाएगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ, पता नहीं मम्मी हमें क्यों फंसाना चाहती है। हो सकता है उस लौंडे कमल के साथ मिलकर मम्मी ने कोई साजिश रची हो हमारे खिलाफ। ऐसा क्यों करेगी वो? क्योंकि हम अपने घर की औरतों की बहुत रक्षा करते हैं सर, फिक्र करते हैं सर, बस इतनी सी गलती है हमारी। जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, दुनिया की नजरों से बचा कर रखते हैं, और खासकर उस हादसे के बाद हमने कभी अंजलि को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया सर। और बस इसी बात पर मम्मी हमेशा आकर हमसे लड़ा करती थी। मम्मी। हाँ बेटा, ये सामान लाना था, पर तेरे पापा तो घर में नहीं है, उनको आ जाने दे, वो ले आएंगे। मम्मी पर पीरियड शुरू होने वाला है। तेरे भैया की तबीयत खराब है, नहीं तो उसे भेज देती।
और उसे अकेला छोड़कर मैं भी नहीं जा सकती। लगता है तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। पर मम्मी पापा गुस्सा करेंगे तो? मैं संभाल लूंगी। हाँ, पर तू जल्दी आना, ठीक है? मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी अंजलि कहाँ है? कुछ जरूरी सामान लाना था, बाहर दुकान पर गई है। मुझे गुस्सा आया मम्मी, अकेले क्यों जाने दिया उसको मार्केट? और मुझसे कई ज्यादा गुस्सा आया पापा को, जब वो लौटे। तेरे भले के लिए कहते हैं हम कि घर से बाहर अकेले मत जाया कर, इतनी सी बात तेरे दिमाग में नहीं जाती क्या? अरे बाप हूं मैं तेरा, प्यार करता हूं तुझसे, पर तू मुझे बता बगैर घर से बाहर जाएगी तो? 5 बरस बीत गए उस बात को, और कितने दिन ऐसे। चुप, कुछ नहीं बोलोगी तुम? वो आदमी जिसने हमारी बेटी के साथ वो घिनौना कांड किया है, वो अभी पकड़ा नहीं गया है। अरे उसकी नजर हो सकती है इस पर, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? सर उन्हें हमारा पाबंदी लगाना पसंद ही नहीं था, इसलिए दोनों ने मिलकर हमें ही फंसा दिया। एक बार जो यहाँ से बाहर निकलूंगा ना, तो छोड़ूंगा नहीं उन्हें। तो बाहर निकलेगा तब कुछ करेगा ना? अरे सर जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो अंदर कैसे रख सकते हैं आप हमें? आवाज नीचे। वो अंदर कैसे रहेगा वो हम पे छोड़ दे। सच कौन बोल रहा था? अंजलि शर्मा की माँ, उसके पिता और भाई, क्या फिर कमल? क्या माँ बेटी ने मिलकर साजिश की थी ताकि लड़की बाप और भाई के चंगुल से निकल जाए? लेकिन क्यों? कौन सही था और कौन गलत? क्या वाकई बरसों तक अंजलि के पिता और उसका भाई उसके साथ बलात्कार करते आए थे, या फिर कमल ही वो शख्स था जो झूठ बोल रहा था? पुलिस के पास अनुमान कई थे लेकिन सबूत एक भी नहीं। माँ बाप बेटा सबकी अपनी अपनी कहानी है। जब तक वो लड़की हमें नहीं मिल जाती, जिंदा या मुर्दा, तब तक इस केस का सच सामने नहीं आ सकता। लड़की की तस्वीर सर्कुलेट करवाई थी ना? ये सर। अवर यू के नेटवर्क को एक्टिव करो, कहीं किसी ने तो देखा होगा दिल्ली या इसके आसपास, अगर वो भागी होगी तो। और इस केस की हर कड़ी को दोबारा से जोड़कर देखो, सब पे नजर रखो। यस सर। पुलिस ने इस केस को एक नए तरह से देखना शुरू किया और रवि शर्मा और उनके बेटे को रिहा कर दिया गया। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि पूरे मोहल्ले ने प्रोफेसर शर्मा के बेगुनाह होने की दुहाई दी और पूजा को दोषी माना। दूसरी तरफ कमल आहूजा ने भी अब इस केस को फॉलो करना कम कर दिया था। एक लड़की गायब हुई थी जिसके जिंदा होने की कोई खबर नहीं थी और ना ही अब तक उसकी लाश मिली थी, और पुलिस तब तक सब पर नजर रख रही थी। धरती निकल गई या आसमान खा गया उसे, ऐसे कैसे गायब हो सकती है लड़की? कोई शातिर मुजरिम भी नहीं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के बच निकले। लेकिन सर एक बात बहुत अजीब है, उस दिन के बाद से लड़की की माँ कहीं नजर नहीं आई। अब लोग फिर अब आप लोगों को क्या चाहिए? और कितना परेशान करेंगे हम लोगों को आप? घर की तलाशी लेनी है एक बार फिर। याद करते हैं आप लोग तो हमारे पीछे ही पड़ गए। अभी तलाशी ले तो चुके थे ना आप लोग। शायद कोई कोना छूट गया हो। हाँ ठीक है, देख लीजिए, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? आपकी पत्नी कहाँ है? जी वो मायके गई। मिला कोई सबूत आपको? अरे सर जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो सबूत कहां से मिलेगा आपको?
यहाँ कोई नया पेड़ पौधा लगवाने वाले थे क्या? जी सर, सोच रहे थे। देखिए सर, आप अपना भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं और हमारा भी। अब तक तो शायद टाइम ही वेस्ट कर रहा था। गुप्ता सर, यहाँ की मिट्टी हटवा, शायद कोई नया जख्म नजर आ जाए। अरे सर, क्यों आप हमारे जख्मों को कुरेद रहे थे? आप बाप और बेटे अगर वहां से हिले भी तो बहुत बुरा होगा। हमें अपना काम करने दीजिए। हाथ से मिट्टी हटाओ, कपड़ा दिखा। इस तरफ हाथ से हटाओ। हाँ, बोलना शुरू करोगे तुम लोग? हमने ही मारा है पूजा को, क्या जरूरत थी उसे पुलिस को कुछ बताने की? तुम सही थे बेटा, मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, तुम्हारी मदद लेनी चाहिए थी मुझे। कहाँ गई थी? अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम दोनों ने मेरी बेटी को मार दिया ना, कहाँ है मेरी बच्ची? बताओ, नहीं तो पूरे मोहल्ले को मैं जमा कर दूंगी। अच्छा, पूरे मोहल्ले को बताएगी? ज़बान खोलेगी अपनी? पापा, अब बस बहुत हो गया, और बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। क्या कहा? मैंने कहा आप मेरे कमरे से जाइए बस। तेरी इतनी जुर्रत? कहाँ है लाश उसकी? गाड़ती जमीन में उसकी लाश को। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, बहुत प्यार करता था अपनी बेटी से। अभी उससे बेटी बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ना तो तू बाप कहलाने के लायक है, या तेरा बेटा भाई। तेरे जैसा दरिंदा बाप और इसके जैसा भाई किसी का ना हो, ऐसी दुआ हर लड़की करेगी। जघन्य अपराध, दरिंदे, भयंकर जुर्म, आज हम इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही ये कहेंगे कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम माना जाए, और ना ही चाइल्ड मोलेस्टेशन के आंकड़े आपके सामने रखे जाएंगे। हम बस आपके सामने कुछ सवाल रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम सब उसके बारे में जरा सोचें। बच्चों के लिए सबसे महफूज जगह कौन सी है? घर। सबसे सेफ और सुरक्षित वो किसके पास होते हैं? परिवार के पास। आपको पता चलेगा कि ना सिर्फ मासूम लड़कियां बल्कि मासूम लड़के भी अपने सबसे करीबी लोगों द्वारा यौन शोषण का शिकार होते हैं, और चाहकर भी कुछ कह नहीं पाते। बात शायद कड़वी लगे, लेकिन ये सवाल पूछिएगा जरूर अपने आस पड़ोस में, और आपके सामने चाइल्ड मोलेस्टेशन की ऐसी कहानियां होंगी जो शायद कभी किसी क्राइम शो तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि ऐसे जुर्म का जिक्र घर की चार दीवारी के बाहर जाता ही नहीं। इस केस में सिर्फ दो मुजरिम हैं, लेकिन दो और मुजरिम हैं जिन्हें शायद कभी सजा ना हो। एक अंजलि की माँ, जिसने चुप्पी की चादर ओढ़ ली, और दूसरा हमारा समाज। माँ बाप के लिए दुनिया में सबसे बड़ी दौलत उनकी औलाद होती है, और उनकी खुशी के लिए वो उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन इच्छाओं का जायज होना भी जरूरी है। उनका कोमल मन जज्बात के मोह में अक्सर ऐसी चीजें मांग बैठता है जो उनके लिए अनुचित, या यूं कहिए कि खतरनाक भी हो सकती हैं। बच्चों को आग से खेलना अच्छा लगता है, लेकिन उस आग से होने वाले नुकसान को समझने की सलाहियत उनमें कम होती है। लेकिन बड़े या माँ बाप होने के नाते हमें पता होता है, पर फिर भी कई बार हम उनकी फरमाइशें पूरी करते थे। ये इच्छाएं अक्सर आगे बढ़कर बगावत का रूप इख्तियार कर लेती हैं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पिटेगा क्या भाई?
अबे लड़की कौन ताड़ रहा है? तेरे भाई का दिल ना उस बाइक पे आया है। देख ना, अब बाप बाइक है। भाई देख, तू फिर से शुरू मत हो जाना। क्या उस्मान भाई, अभी तो एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आपका बेटा इस बार फिर टॉप करेगा इंशाल्लाह। अरे भाई, आप लोगों की दुआएं हैं, उसकी मेहनत। मेरी छाती तो बैठे बैठे ही चौड़ी हो जाती है। रुक, चल। अरे किधर पे भाई? पे तू चल ना भाई, देख जो कुछ जाने दे। चल। हाँ पापा, चल रहा हूँ ना। अरे यार, मेरे को ये सब में नहीं पढ़ना है बीच में यार। हाँ तू मत पढ़ बाबा, छोड़ना यार। चल फटाफट चल। ए भाई, तू ये क्या फालतू गिरी कर रहा है? ए छोड़ ये सब, रुक ना। पकड़ लिया तो तू मिनट रुक। अबे क्या कर रहा है तू यार ये? अबे ये खुल गया। ए अबे तू मेरी बात तो सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई यार। दो मिनट बस, दो मिनट। अरे चलते, अबे उसने देख लिया ना तो मारेगा आके भाई। उस्मान मियां, फैसल की जिम्मेदारी से तो बरी हो गए। एक हमारा बेटा है, पता नहीं किस गुनाह की सजा मिली है हमें। ऐसे मत बोलिए, कैसा भी है तो हमारा ही बेटा ना। एक नंबर का निकम्मा है, दिन भर आड़े टेढ़े काम करता रहता है। छोड़ यार ये हो गया। एक सेकंड, बाप भाई के बे, चल फटाफट बैठ। ए हट, मैं नहीं बैठूंगा, तेरा दिमाग खराब है, मेरा नहीं। वो तो टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, तेरे को बोला ना बैठ। नहीं यार छोड़, चल मैं बोल रहा हूँ अभी भी टाइम। अच्छा, है चलते। तेरे को नहीं आना मत आ, बादे बोला मत, तेरे को छोड़ के भाग क्या। हाँ अबे यार, बंद करो भाई। अबे बैठ फटाफट, मैं बोल, मैं नहीं बैठा, मैं तेरे को आ जा 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 जा। अरे जा जा रे तू। ऑटो कोई रोक दे। शहजाद वापस आ गया तू? अबे आराम से बोलना, अबू जाग गए ना तो मार डालेंगे मेरे को। और तेरा अबू नहीं जागा ना तो मैं ही जाके जगाऊंगा उनको। साले तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और ये बाइक लौटा है क्यों नहीं? अभी इगड़ा है क्या? इतना मुश्किल से ढापेला इसको, ऐसे ही तो ना छोड़ूंगा। तो क्या अभी घर पर रखेगा इसको तू? हाँ भाई, देख तेरा शौक पूरा हो गया है ना, अभी लौटा दे। वैसे भी मैं इससे आगे सपोर्ट नहीं करूंगा तेरे को। क्या करेगा तू? मामू के पास जाएगा, मेरे को अंदर करवाएगा। जा कराऊंगा एक दिन अंदर तेको, देखते रहे। ओके बाय। चचा एक पान लगाओ। अरे शहजाद, तेरे अब्बू ढूंढ रहे तुझे। अरे डॉन को तो सभी ढूंढते हैं अब्दुल भाई। काम कैसे चालू है? बस रे डॉन, दुआ है तेरी। लगे रहो लगे रहो। बना अंकल, कौन है बे? कौन है बे? तेरा बाप। जरा अपनी आवाज, जबान देख, जबान देख ना। लायक नहीं तो क्या बोल रहा है? कल रात भी अच्छी रात आवारा गर्दी कर रहा था ना। अरे शर्म है कि नहीं? कब सुधरेगा, कब सुधरेगा? आवारा गर्दी का फैसल के साथ था अबू। फैसल का नाम लेके झूठ बोल रहा है। फैसल का नाम लेके अबू, फैसल का नाम लेके झूठ बोल रहा है। चाचा चाचा मेरे साथ था ये। लो ये बोला है ना, इसके लिए छोड़ रहा हूँ तेरे को। सुधर जा बदतमीज। मैंने झूठ बोला इसका मतलब ये नहीं, कल रात को जो तूने किया वो भूल गया हो। अरे फैसल सुन, बे सुन ना यार। क्या कर रहे तू भाई? बाइक कैसे लगा? देख हैंडल बदल दिया, पूरा बॉडी चेंज कर दिया। ए, चुप रे से ना। चुप है तो चोरी की ना पागल। और रखेगा कहाँ पे इसको? अभी कोई बार ना मार दूंगा, बोल दूंगा दोस्त के। तू फालतू में रंग में भंग मत डाल, बस तारीफ कर जाने मन की। देख भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग जाके ना उसको बाइक लौटा देते, वरना मैं बात नहीं करूंगा तेरे से। अबे पागल है तू? वो सब छोड़, चल राइड पे जाते हैं। मैं नहीं बैठ रहा। अबे बैठना क्या, सेक्सी बाइक है, चलना। नहीं यार। अरे
कैसे चल रही है तेरी पढ़ाई? कुछ चाहिए तो बोल। नहीं अब्बा, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है लेकिन अभी कुछ चाहिए नहीं मुझे। तू रहने दे, मैं कर लूंगा, तू बस पढ़ाई में ध्यान दे। अरे ये बिजली भी ना कभी भी गुल हो जाती है। अरे तू जा पढ़ाओ गली, तुझे देर हो जाएगी। फैसल चल भाई, पंगा हो गया। क्या हुआ रे? शहजाद का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे भाई? दरगाह के पीछे। कैसे यार? जल्दी चल। भाई तू ये दरगाह बोल के मेरे को किधर लेके आया? शहजाद कहाँ पर है? वो देख, वो रहा। शहजाद तू यहाँ मेरे को झूठ बोल के लाया ना, नहीं तो तू आता? ये कौन भाई? देख भाई टेंशन मत लो, ये अपना ही आदमी है, भरोसा कर सकते हैं। शहजाद तू 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 यहाँ पे रेस करने आया है? हाँ। ए, ए, क्या क्या? हाँ भाई, अबे तेको पता है कितना रिस्की है ये सब? जो फर्स्ट आया ना उसे पूरे 50,000 मिलने वाले, जो दूसरे नंबर पे आया उसको 35,000, और जो थर्ड आया उसको भी 25,000 है। पैसे तेरी जान से ज्यादा प्यारे है क्या? छोड़ ये सब यार, उतर तू, चल मेरे साथ। शांत रहना बे, मैं तेको मरते नहीं देख सकता भाई, मैं जा रहा हूँ। अरे फैजल आज मत जाना यार। शहजाद लेकिन रिस्की है यार। तू रहेगा ना तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा यार, इसलिए मैंने तेको झूठ बोला। आज तू कहीं नहीं जा रहा। चलो चलो, रेस का टाइम हो गया है, चलो टाइम हो गया है, जल्दी करो। हाँ भाई। संभाल के। तू टेंशन मत ले यार, बस देखता जा, यू गया और यू आया। ऐसी गैर कानूनी रेसेस काफी प्लानिंग के साथ अरेंज की जाती हैं। सोमवार या किसी भी वर्किंग डे की रात को इनका रूट पहले से तय होता है। लगभग 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। जो सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचता है वो जीतता है, और उसके अलावा कोई रूल्स नहीं। राइडर्स को मोबाइल पर पुलिस की नाकाबंदी की अपडेट्स मिलते रहते हैं। दूसरा रूट लो। और ये अपडेट्स ड्रंक ड्राइविंग से बचने वाले लोग शेयर करते हैं, और बदले में ये ऑर्गेनाइजर्स उन्हें अफीम, गांजा और चरस सप्लाई करते हैं। इन राइडर्स के पीछे एक्सीडेंट की सूरत में सहायता के लिए एक कार भी रहती है जिसमें फर्स्ट एड का सामान होता है। कुछ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के साथ भी इनकी साठगांठ होती है। इन गैर कानूनी रेसेस में दनदनाती हुई बाइक्स पर सवार नौजवान हर खतरे से बेखबर अपनी ही मौज में होते हैं। सेट है, देख थर्ड आया मैं। ठीक है, माल लेके आता हूं, रुक। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये महज एक नारा नहीं बल्कि चेतावनी है। इस रफ्तार भरी जिंदगी से हमारे युवा, हमारे नौजवान इस कदर प्रभावित होते हैं कि उसकी चकाचौंध में खो जाते हैं। सिनेमा के रुपेले पर्दे पर जो करतब दिखाए जाते हैं,
रियलिटी इवेंट्स में जो स्टंट्स होते हैं और जो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स रेसेस होती हैं, उनके पीछे काफी मेहनत की जाती है, काफी तैयारियां की जाती हैं, और सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है उनकी सेफ्टी को। वहां रीटेक्स होते हैं, दूसरा मौका मिलता है, और कई बार तो कैमरा ट्रिक्स और ग्राफिक्स के जरिए इन रेसेस को फिल्माया जाता है, लेकिन यहाँ ना तो दूसरा मौका मिलता है और ना ही रीटेक्स होते हैं। जो दिखता है हकीकत में वैसा होता नहीं, लेकिन जोश और जुनून से भरे नौजवान इस भ्रम को ही सच्चाई मान लेते हैं और निकल पड़ते हैं रफ्तार में एक दूसरे को पछाड़ने। इन रफ्तार के पहियों से मौत की तरफ दंदनाती हुई ये सवारी मन में कई सवाल पैदा करती है। क्या इन्हें जिंदगी से प्यार नहीं? क्या इनके घर में कोई इनके इंतजार में नहीं? वजह चाहे जो भी हो, पर ये खेल बेहद खतरनाक है और गैर कानूनी भी। शहजाद का ये शौक अब जुनून की शक्ल इख्तियार करने लगा, तो क्या यही वो वक्त है जब उसकी जिंदगी भी रफ्तार के इस चक्रव्यूह में उलझने वाली है, या फिर सबको उलझाने वाली है? चाची, ये पीली वाली दवाई रात में खाने के बाद और ये दो दिन में तीन बार। कितना ख्याल रखता है तू मेरा। आखिर आप भी तो मेरे लिए माँ जैसी हो। चाची अभी मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। रुक रुक, बैठ बैठ जा। नाफिया, अंदर से जरा डब्बा तो लेके आ। सुन, पढ़ाई करते वक्त भूख लगे ना तो ये लड्डू जरूर खाना। ठीक है चाची, मैं निकलता हूँ। चल, तेरे साथ नहीं जाना है मेरे को, और कल रात को जो तूने किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अबे ए रोतलू, पार्टी तो ले ले। अरे बोला ना मैंने, मेरे को नहीं चलना तेरे साथ। जब देखो आ जाता है इधर, और अब या तो तू यहां से जा या तो मैं यहां से जाता हूं। हाँ हाँ ठीक है, मेरे साथ थोड़ी ना आएगा, जा अम्मी के पास ही जाएगा मेरे। ये इतने बेस्ट फ्रेंड लड़ क्यों रहे हैं? क्या हुआ? फैजल, 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 फैजल कहाँ चला गया? फैजल, 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 अरे बोल दिया उसको आज दोपहर में आ जाएगा। नदीम, मां, वो फैजल आया क्या? नहीं तो, इतनी सुबह शहजाद है? अरे वो कहाँ रहने वाला है इस वक्त घर में, बात क्या है? रात को पढ़ाओ गली गया था, तब से लौटा नहीं। अरे ये शहजादी उसको लेके गया होगा, ना खुद पढ़ता है ना पढ़ाई करने वालों को पढ़ाई करने देता है। भाईजान बच्चे है, आस पास ही होंगे, कहाँ जाएंगे? तो रुक, मैं चलता हूँ। जल्दी आइएगा। हाँ फैजल, पता चला? कुछ नहीं पता चला, पता नहीं कहां चले गए लड़के। कमल ज्वेलरी शॉप में जो कुछ चोरी हुआ है मुझे उसकी डिटेल लिस्ट चाहिए। सर आइए, लौकर बैठो। सर ये दोनों बगल के बस्से में रहते हैं, मिसिंग कंप्लेंट लेके आए, डिटेल मैंने ले ली है, आपसे मिलना चाहते हैं। बैठिए, किसकी मिसिंग कंप्लेंट है? साहब हम दोनों के बेटे कल रात से घर नहीं लौटे, मेरा बेटा फैजल और नदीम का बेटा शहजाद, उनकी तस्वीरें भी हमने साहब को दे दी, मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं उस पर, फोन बंद आ रहा है। आखिरी बार कब और कहाँ देखा था? साहब मेरा बेटा तो रोज बैग लेके पढ़ाओ गली जाता था। और आपका बेटा?
मेरे को नहीं मालूम सर। क्या मतलब नहीं मालूम सर? दरअसल मेरा बेटा थोड़ा आवारा किस्म का है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। इनकी माए या भाई बहन कुछ बता सकते हैं? साहब, फैजल की माँ का इंतकाल तो उसके बचपन में ही हो गया था। वो शहजाद की माँ को ही अपनी माँ जैसी समझता था। ठीक है, हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। कुछ भी पता चला तो आपको बुलाएंगे। अगर आपको कोई भी खबर लगती हो तो हमें बताइएगा। फिलहाल आप जा सकते हो। सर, दोनों एक साथ गायब है, दोनों में दोस्ती भी काफी गहरी है। मिसिंग है या कहीं भाग तो नहीं गए? भाग मेरे जो भी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद तो पता चल ही जाएगा। पढ़ाओ, गली से शुरू करते। हाँ सर, अपन ने कल रात को ही देखा था उसको, इधर ही पढ़ाई कर रहा था रोज की तरह। फिर उसके बाद शहजाद आया और वो दोनों मिलकर कहीं चले गए। इससे पहले भी अपन ने देखा था उसको, वो दोनों कहीं पर जाते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, उन दोनों का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? किसी और के साथ नहीं, आपस में ही अनबन हुई थी सर। किस बात पर? सब हम खुद हैरान थे, इतने पक्के दोस्त आपस में क्यों लड़ रहे हैं? चेतन कुछ मिला? नहीं साहब, मैंने सारा एरिया छान मारा, लेकिन फैजल का बैग कहीं नहीं मिला। चेतन, एक काम करो, इन दोनों के मोबाइल नंबर ले लो और उसकी डिटेल निकालो। ठीक है, और तुम लोगों को कुछ पता चलता है तो हमें इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, एक काम करो, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे मोबाइल पर मैसेज कर देना। ठीक है सर। PCR से फोन था, मोबाइल फोन लोकेशन के मुताबिक उन दोनों का लास्ट लोकेशन उनकी बस्ती का ही ट्रेस हुआ है। गाड़ी घुमाओ, बस्ती चलते हैं। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। जी ले लीजिए। भाग मारे, उस्मान के घर की तलाशी। अरे आत्मा, हमने सुना है अपने बेटे के साथ आप काफी सख्ती से पेश आते थे। सर, हम आपने उसको पीटा भी। अच्छी जिंदगी के लिए जो दुख हमने उठाए हैं, हम नहीं चाहते थे कि वो भी उठाए। थोड़ा पढ़ लिख लेगा, इज्जत की रोटी कमाएगा, तो उसके लिए थोड़ी सख्ती तो करनी थी। उसके पास एक महंगी बाइक भी थी, आपने लेके दी थी। नहीं मतलब, वो कह रहा था किसी शर्त में जीती हो। शर्त? कैसी शर्त? ये तो मैं नहीं जानता सर। साहब, लगता है फैजल का बैग है। इसमें 20,000 रुपये कैश है और सिगरेट का कुछ पैकेट्स मिले हैं। ये फैजल का बैग है? हाँ। यहाँ कैसे आया और इतना पैसा इसमें कैसे आया? सर, मुझे नहीं पता, और फैजल तो अपना बैग अक्सर यहीं छोड़ जाता है। आपको कुछ पता? नहीं, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। एक तरफ आप कहते हैं कि आप अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं जिससे वो अच्छी जिंदगी बसर कर सके, दूसरी तरफ मैं जितने सवाल आपके बेटे के बारे में आपसे पूछता हूँ, आप कहते नहीं पता। सब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। आपकी पत्नी कहाँ है? शायद उन्हें कुछ पता हो। वो तो बीमार है, अभी कल ही उसे KPM हॉस्पिटल में एडमिट किया। सर, फैजल के घर पर ये ड्रग्स मिले। हमें यहाँ पे फैजल का बैग मिला जिसमें सिगरेट के पैकेट्स हैं और 20,000 रुपया कैश है। क्या? घर में ड्रग्स, यहाँ बैग में ये पैसा और सिगरेट्स। आपका बेटा तो काफी शरीफ है ना? साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि मेरा फैजल ये सब नहीं कर सकता। सर, चेन स्नैचिंग के वांटेड लिस्ट में भी इनका नाम नहीं है। मोहल्ले में पता चला है कि फैजल बहुत ही अच्छा लड़का था और शहजाद बिगड़ा हुआ। यही तो समझ नहीं आ रहा है कि फैजल जैसे लड़के की शहजाद से इतनी गहरी दोस्ती की। फैजल जो कि इतना सीधा है, उसके घर में ड्रग्स मिला और बैग में पैसा। पटेल तुम जा पटो। हो साहब। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि फैजल अच्छा बनने का नाटक कर रहा हो, माँ तो है नहीं और अकेला आप कितना ध्यान रखेगा। हो सकता है इन दोनों की फोटो न्यूज़पेपर में छपो, हो सकता है इनके गायब होने के बाद किसी ने इनको देखा हो और शायद वहीं से हमें कोई लीड मिले। ओके सर। सर सर, फैजल के मोबाइल के सभी मैसेज चेक किए सर, उसमें एक मैसेज कुछ इंटरेस्टिंग है सर। कौन सा? सर ये देखिए सर, इसमें लिखा है कब मिलोगे मेरे हीरो, लगता है उसकी गर्लफ्रेंड का सर, और इस नंबर से ऐसे कई और मैसेज आए हुए हैं सर। अम्मी और अब्बू घर पे नहीं है? हमें तुम्हारे अब्बू अम्मी से नहीं, तुमसे बात करनी, और वैसे भी तुम्हारे अब्बू को कुछ पता नहीं होता। अंदर आ सकते हैं? आइए। नाफिया घबराओ मत, हमें तुमसे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हारा
फैजल के साथ कोई चक्कर था? मैसेज पढ़े मैंने तुम्हारे। फैजल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपन से वो मेरे लिए एक हीरो की तरह रहा है। शहजाद को ये बात पता थी क्या, इसी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ? हाँ, भाई ने मैसेज पढ़ लिया था। तुझे क्या लगा मुझे मालूम नहीं पड़ेगा तेरे और फैजल के बारे में? बहुत डेयरिंग है ना तेरे में। देख कैसे बताता हूँ मैं तुम दोनों को, रुक दो। उस रात पड़ाव गली में भाई और फैजल के बीच में बहुत लड़ाई हुई थी। क्या उसी लड़ाई की वजह से दोनों गायब हो गए? नहीं, भाई गुस्सा तो हुए थे लेकिन बाद में दोनों मिल गए थे। भाई देख, जैसा तू सोच रहा है ना भाई, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तू जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, निकाह करेगा ना इससे? कहीं प्यार टाइम पास तो नहीं? नहीं भाई, ये टाइम पास नहीं है, मैं निकाह करूंगा, ये मेरा वादा है। देख फैजल, वादा क्या हो तोड़ने का नहीं, वैसे भी इस चिपकल को तुझसे अच्छा लड़का तो ना मिलेगा। लेकिन हाँ, अभी कोई फालतू गिरी नहीं, कुछ मैसेजेस कुछ नहीं करने का, सिर्फ पढ़े, ठीक है? अबे आ ना, मेरा जीजा बनेगा। क्या नाफिया जो बोल रही है वो सच है या फिर शहजाद ने सिर्फ ऊपर ऊपर से हाँ कहा हो और दिल में दुश्मनी रखे हुए हो? वैसे सर, इस एरिया के सारे डोप डीलर को खंगालने के बाद एक बात सामने आई है उन दोनों लड़के के बारे में जो शहजाद और फैजल के दोस्त है। ले आओ उनको। क्या हुआ, फैजल और शहजाद आए क्या? वो अपनी आयशा आपा थी ना, उनका बेटा गायब हो गया था, 2 दिन में मिल गया, कहाँ चले गए तो बच्चे? आप लोग पीछे ढूंढते क्यों नहीं है? हम कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, पुलिस भी अपना काम कर रही है, जल्दी मिल जाएंगे वो। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करना, मेरे मालिक, जल्दी मिला दे मुझे मेरे बच्चों से। किसके लिए लाते थे ड्रग्स बोलो, फैजल के लिए या शहजाद के लिए बोलो। सर, वो सब हम लोग अपने लिए लाते थे, सब हम लोग अपने लिए लाते थे। सर, फैजल अच्छा लड़का है, किसी को शक ना हो इसलिए हमने उसकी बैग में ड्रग्स रख दिए थे, उसको भी पता नहीं था कि हमने उसकी बैग में क्या रखा है। अपनी जिंदगी से खिलवाड़, अपने दोस्त के भरोसे का कत्ल, कैसे दोस्त हो तुम लोग? फैजल की अच्छाई का ये सिला दिया तुमने? सर, अभी फोन है, नायगांव में गोकुलवाड़ी के आगे एक लाश मिली। सर, शहजाद की मौत उसी रात हुई जिस दिन ये दोनों गायब हुए, बल्कि पड़ाव गली के बाहर निकलने के कुछ ही घंटे बाद उसकी मौत हुई। बॉडी पर स्ट्रगल के काफी निशान है, मतलब जब वार हुआ तब शायद हाथापोई हुई होगी। मतलब अब सीधा शक फैजल पे जाता है। सर, बाहर एक लड़का आया, बोलता है गुमशुदा लड़कों के बारे में कुछ जानता है। सर, मेरा नाम विकी है, कुछ टाइम पहले मेरी बाइक चोरी हुई थी और इन दोनों लड़कों ने ही मेरी बाइक चोरी की है। इसमें से ये लड़का मेरी बाइक लेके भागा था। तुम्हें पूरा यकीन है? यस सर। ठीक, चोरी की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? हाँ सर, करवाई थी। सारी डिटेल्स बाहर लिखवा दो, फिलहाल जा सकते। ओके सर, थैंक यू सर। सर, मुझे लगता है ये दोनों चोरी की बाइक बेचने का काम करते थे। हो सकता है। Ha ha ha!
शहजाद नहीं मारूंगा चप्पल से बेटा, वापस आ। सब खत्म कर दे। अरे तेरी माँ को क्या जवाब दूँ, उस बीमार को क्या बताऊँ कि उसका बेटा कहाँ चला गया। अम्मी, शहजाद भाई नहीं रहे। मेरा बच्चा। अम्मी, शहजाद अम्मी। फैजल के पिता उस्मान और शहजाद के माता पिता समीना और नदीम ने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन एक जगह वो चूक गए। उन्होंने उन पर से अपनी नजरें हटा ली, या यूं कहिए कि उन्हें जो दिखाया गया उन्होंने वही देखा और जो बताया गया वही मान लिया। अपने बच्चों की रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर रखना माँ बाप का फर्ज है। ये नौजवान न जाने कब किसके बहकावे में आ जाए, न जाने कब किसी बुरी संगत में पड़ जाए कि जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान से चुकाना पड़े। सर, जिस लड़के की बाइक चोरी हो गई उसके डिटेल के अकॉर्डिंग सारे गैरेज खंगालने के बाद हमें ये पता चला है कि शहजाद ने बाइक मॉडिफाई की थी। मॉडिफायर? सर, हमने मॉडिफायर का भी पता लगा लिया है, परम नाम है उसका, मेरा गांव में एक गैरेज है उसका। साहब वो फैजल का फोन आया था मेरे पास, वो इस वक्त भिवंडी में है और ठीक है। वो कह रहा था कि शहजाद की मौत से उसका कोई संबंध नहीं है, एग्जाम की पढ़ाई पूरी नहीं थी इसलिए डर कर भाग गया। तुमने उसे वापस आने के लिए नहीं कहा? नहीं नहीं साहब, मैंने कहा, कह रहा था एक दो रोज में आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। अभी के अभी इसके फोन रिकॉर्ड चेक करो, पता करो फोन कहां से आया था। मुझे लगता है कुछ छुपा रहा। बगा सगड़ी कड़े। क्या हुआ साहब, ये क्या 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 है ये सब? सुना है तू इलीगल बाइक्स का धंधा करता है। अरे साहब, रजिस्टर वर्कशॉप है मेरा, कोई यहाँ गलत काम नहीं होता। सर ये देखिए, शायद चोरी की बाइक्स। ये सब क्या, अच्छी खासी फैक्ट्री खोल के रखी है तूने। चल सबके पेपर्स दिखा। सर इनमें से कुछ गाड़ियां चोरी की नहीं है, चौक में लोग रेसिंग वेसिंग करने के लिए आते हैं यहाँ पे। वगमारे ये दोनों भी थे इस सब में? सब ये लड़का पहले आया था, उसके बाद में ये आया था, शायद फैजल नाम है इसका। तो मतलब तू चोरी की बाइक्स मॉडिफाई करता और उसके बाद ये बाइक्स इलीगल रेसिंग में यूज होती है ना? सर सारी गाड़ियां चोरी की नहीं होती, लेकिन इलीगल रेसिंग में यूज होती है ना? कितने रेसर्स को जानता है मीरा रोड में? सच सच बता वरना ये साइलेंसर तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा। सर एक लड़का और है, अक्षय। कुछ दिन पहले वो अपनी बाइक को यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए देके गया था, आज दोपहर में ही आने वाला है अपनी गाड़ी वापस लेने को। बागमर, इस रेसर का पकड़ा जाना जरूरी, तुम ये। क्या बात है साहब, मुझे यहाँ क्यों लाया गया? तुमने जो हमें फोन का झूठा किस्सा सुनाया उस पर से जरा पर्दा उठा, क्योंकि पीसीओ वाले के मुताबिक फैजल तो क्या, उसके जैसा कोई भी लड़का वहां नहीं गया। भला मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगा साहब, फैजल का ही फोन था। यही तो हम जानना चाहते हैं कि तुम बाप बेटे मिलकर क्या बिरयानी पका रहे हो। नहीं नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हुई, और तुम्हारी ये गलतफहमी जब तक दूर नहीं हो जाती तुम हमारे मेहमान बन के रहोगे। क्यों साहब, बात सुनिए साहब, देखिए साहब मेरे बाप। और परम भाई, गाड़ी रेडी है क्या?
फटाफट सारी रेस की कमेंट्री बता, बोलना शुरू कर नहीं तो मैं तोड़ना शुरू करूंगा। सर मुझे मालूम नहीं कि ये रेस कौन ऑर्गेनाइज करवाता, लेकिन इतना मालूम है कि मेरे जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो फटाफट पैसे कमाने और इस थ्रिल के चक्कर में यहाँ जाते हैं। सिर्फ एक बाइक का जुगाड़ होना चाहिए सर, बाकी सारे वो ऑर्गेनाइजर करवाते हैं। पैसा कहाँ से आता? बोली लगती है राइडर्स पे, सट्टा लाखों का खेल है सर। ये दोनों में थे उस दिन रेस में? हाँ सर, शायद इसका 9 नंबर और इसका 2 नंबर था। कमेंट्री तो अच्छी सुना था, चल अब रेस भी दिखा। वो कैसे सर? अगली रेस कब है? सगळे नीट लक्ष देऊ नये का, कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। ये जो इलीगल रेसिंग का धंधा चल रहा है किसी भी हाल में बंद होना चाहिए। ये सारे लोग मुझे किसी भी हालत में मिलने चाहिए, समझे क्या? यस सर। हाँ बट सर, वो बाइकर्स निकल गए, कभी भी पहुंचते होंगे। भाग मारे, तुम्हें गाड़ी की उमड़ने का मगन रास्ता ब्लॉक करो, फटाफट निकल। ओके चलो चलो, ये बैरिकेड बंद करो, नाका बंद करा फटाफट, चला फटाफट, सगळे पोजिशन वरिया। और इसका 2 नंबर। सर मैंने सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सीडी चेक कर लिए, 2 राइडर्स से शहजाद और फैजल, वो दोनों फिनिश लाइन तक पहुंचे ही नहीं, बीच में ही कहीं गायब हो गए। अब्दुल उर्फ मस्तान ताड़ू, बता क्या हुआ था फैजल और शहजाद के साथ? शहजाद फैजल कौन है ये लोग सब? मैं तो नहीं जानते इन लोग को। जितना जल्दी बकेगा उतना बचेगा, नहीं जानता ना? हम लोग के धंधे में पैसा बहुत है साहब, सब पैसे के लिए मैं इस धंधे में है साहब। सब बड़े बड़े रईस लोग राइडर्स पे पैसा लगाते हैं साहब, मुझे मेरा कमीशन मिल जाता है और सब राइडर्स को भी अच्छा पैसा मिलता है, बोले तो सबकी जानती है साहब। शहजाद और फैजल साहब, शहजाद ही फैजल को मेरे पास लेकर आया था और बोला कि एक बार फिर से सोच ले, चाची की किडनी की बीमारी का इलाज होना भी बहुत ज़रूरी है। नाफिया ने मुझे रिपोर्ट्स दिखाए थे और मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ पैसे जुटाने के लिए, ताकि तुझे फिर से इस दलदल में घुसना ही नहीं पड़े। अरे फैजल सुन, तू अलग टाइप का लड़का है, तुझसे नहीं होगा ये, मैं कर सकता हूँ। सुन, मैं आज तक अपने लिए पैसे कमाता था, अब अम्मी के लिए कमा लूंगा। अरे हफ्ते में 2-4 ज़्यादा कर लूंगा, पैसे की टेंशन नहीं है। पर तू अपना सोच, तेरी एग्जाम भी आ रही है, उसका क्या? अरे भाई एग्जाम से पहले सब कुछ निपटा देंगे ना हम लोग। उसके बाद तू मुझे वादा कर शहजाद कि तू फिर से कभी रेस नहीं करेगा, सिर्फ चाची के साथ रहेगा। वादा, खुश आजा। हाँ भाई, अभी तुम लोग के कसम वादे हो गए, अभी बोलोगे क्या करने का? हाँ अब्दुल भाई, मेरा नाम लिख लो। पक्का? पक्का। सारी तैयारियां हो चुकी थी, मैंने परम के पास उसे बाइक भी ला कर दी थी, लेकिन रेस वाली रात क्या हुआ?
पागल किधर लेके जाएगा उसको, मर गया है वो, मैं जिंदा रहूंगा। अरे क्या जिंदा है वो, चल सबको भी मार मारेगा क्या तू? ये लाश को ठिकाने लगाओ, मामू लोग क्या पहले क्या क्या लगा? भाई है वो मेरा भाई, दोस्त है भाई है क्या? पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसके अबू बोलना पड़ेगा, मर मर क्या लाश को निकाल, पागल भाई है वो मेरा। ए, पागल सुन, हम लोग के धंधे में ये सब नहीं चलता, समझे ना तू? तेरे को पैसा मांगता है ना, मैं सेठ से बात करूंगा। शहजाद की बॉडी को नवा गाँव में गोकुलवाड़ी के आगे फेंक दिया और फैजल की बॉडी को खाड़ी में फेंक दिया। उसके बाद हमने उस्मान को फोन किया और उसको बोला कि फैजल हमारे कब्जे में, और उससे बोला कि तू पुलिस को झूठ बोल कि तेरी फैजल से बात हुई है, अगर तूने ऐसा नहीं बोला तो हम फैजल को मार डालें। हमें लगा कि ऐसा सुनकर आप लोग इंक्वायरी करना बंद कर देंगे, आपको लगेगा कि फैजल जिंदा। तुम्हारे लिए ये नौजवान पैसा बनाने की एक मशीन है, लेकिन उनके घर वालों के लिए वो उनकी जिंदगी है। तुमने एक फैजल एक शहजाद को नहीं मारा, उनके पूरे परिवार को मारा। अरे मैं मदद करता हूं ना। अरे तू यहां क्या कर रहा है? तुझे तो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अब्बा आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? मेरे लिए ना, ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं, और मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता। आज अचानक आ गया और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो रोज रोज कहां से आएगा? अब्बा आप कभी आवाज तो लगा के देखो मैं आता हूं कि नहीं। फैसल, फैसल, ये सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ खेल नहीं है, बल्कि अपनों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ है। अपनी आंखों के सामने माँ बाप जब अपने बच्चों को जवान होता देखते हैं तो वो उनके लिए कई सपने सजोते हैं, कई उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन उनके रफ्तार में आगे निकलने के एक पल में माँ बाप की उम्मीदों और सपनों का कत्ल हो जाता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी पर दूसरों का भी हक है। समीना को जब पता चला कि उसके दोनों बेटे फैजल और शहजाद हादसे का शिकार हो चुके हैं, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। समीना और शहजाद की मौत के सदमे ने नदीम को जीते जी मार दिया, और अपने इकलौते बेटे फैजल को खोने के बाद उसके पिता उस्मान ने इस रफ्तार से होने वाली तबाही और खतरे से नौजवानों को आगाह करना अपना मिशन बना लिया। याद रखिए, जिंदगी अनमोल है और ये दोबारा नहीं मिलेगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।